चैनल मैजिक ऑफ पिंच ऑफ स्पाइसेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रुशेटा ब्रेड की रेसिपी। ब्रुशेटा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए हार्ड ब्रेड, बाल्सामिक विनेगर, गार्लिक, सी सॉल्ट, इटालियन हर्ब्स, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, पार्मेसन चीज, टोमेटोज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और बेसिल लीव्स। सबसे पहले हम ब्रुशेटा ब्रेड को काटेंगे। देखिए इसको थोड़ा हम तिरछा काटेंगे, इस तरह से इसके पीसेस कर लेंगे। तो ये पीसेस हमने ब्रुशेटा ब्रेड के काट लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको हमें बेक करना है अवन में। बेकिंग ट्रे में ब्रेड के पीसेस को रखेंगे। ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे सब पर। ऑलिव ऑयल लगाने के बाद अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी पार्मेसन चीज। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, अदरवाइज आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ अवन में। इसे हम 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए अवन में रखेंगे। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ अवन में। चलिए टेम्परेचर सेट कर देते हैं इसका 180 डिग्री, पैन बेक और 5 मिनट्स। तो चलिए अब मैं रख देती हूँ इसे अवन में। ब्रेड गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हम रेडी कर लेते हैं उसकी ड्रेसिंग। टोमेटो, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, इटालियन हर्ब्स और गार्लिक। में मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून विनेगर जो हमने बाल्सामिक विनेगर लिया था, 1 basil leaves, fresh basil leaves इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए इसको हम बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको कर लेना है हमें अच्छे से मिक्स।
तो हमारी ड्रेसिंग भी रेडी हो चुकी है, बस इंतजार है ब्रेड के गोल्डन ब्राउन होने का। तो चलिए देखते हैं हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है या नहीं। ये देखिए ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से रेडी हो चुकी है। चलिए करते हैं इसकी सर्विंग। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्प हो चुकी है ये सब ब्रेड्स। ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा ये विनेगर। तो फ्रेंड्स हमारी प्रोशेटा ब्रेड बनके तैयार हो गई है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इफ यू लाइक माय रेसिपी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक अ पिंच ऑफ स्पाइसेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। जल्दी ही आपके साथ फिर मिलूंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।